Hi, myself, Amrath Bhushan. Welcome to the program, The Great Bharat and the Great People. Welcome to ASG, Abhinav Study Group. दिल्ली की शिल्पकार शीला दीक्षित नहीं रही 1938 से 2019. मैं रत्नभूषण ASG IAS की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ. उनकी मेहनत, उनकी लगन से देश को, दिल्ली को बहुत समृद्धि मिली. और मैं आपको ये जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर से. आप देख सकते हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी. तो आप देख सकते हैं पूरा फोटोग्राफ्स. दिस इज अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ ऑफ शीला दीक्षित जी की. दिल्ली की शिल्पकार शीला दीक्षित नहीं रही. दिल्ली की शिल्पकार, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया. वह 81 साल की थी. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि दीक्षित पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी. उन्हें शुक्रवार की सुबह सीने में जकड़न की शिकायत के बाद पोस्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां दोपहर 3:55 पर उन्होंने अंतिम सांस ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया. शीला दीक्षित 1998 से 2013 के बीच 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही. राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को फिर खड़ा करने के मकसद से उन्हें कुछ महीने पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. उनका पार्थिव शरीर शनिवार शाम 6 बजे निजामुद्दीन स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया. शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था. उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर DU की मिरिंडा हाउस कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की. वह पहली बार 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद चुनी गई. बाद में वह दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई. शीला दीक्षित ने हाल में उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं पाई. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ, जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि शीला दीक्षित के निधन से बेहद दुखी हूँ. एक ऊर्जावान और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया. आप देख सकते हैं ये सारे फोटोग्राफ. मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि मैडम को. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज एंटी टैंक मिसाइल नाक का सफल परीक्षण. थार के रेगिस्तान में शुक्रवार को एंटी टैंक मिसाइल नाक के थर्ड जनरेशन का यूजर प्रशिक्षण संपन्न हो गया. फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करने वाले इस मिसाइल का 7 जुलाई से थार रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी में परीक्षण किया जा रहा था. 12 दिन तक लगातार दिन रात चले परीक्षण में मिसाइल अपने सभी मानकों पर एकदम खरी उतरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे विकसित करने वाले DRDO के वैज्ञानिकों और इसका परीक्षण करने वाली सेना की टीम को बधाई दी. नाग मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में रात दिन दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम है. यह मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों पर तोपों के उड़ा सकती है. फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करने वाली यह मिसाइल इंफ्रारेड सिस्टम पर काम करती है. दागने से पहले ही अपना लक्ष्य तय कर लेती है. इस मिसाइल को नेमिका नाम के मिसाइल लॉन्चर से दागा जाता है. नेमिका एक बार यह लॉन्चर 6 मिसाइल दाग सकता है. वर्ष 2000 फरवरी में रेगिस्तान की सर्दी में इसका परीक्षण भी खरा उतरा था. एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टूडेज. प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो. और फिर से मैं रत्नभूषण शीला दीक्षित जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ. थैंक यू सो मच.